एक भाई ने ये सवाल किया है कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, तो फिर वो ख्वाब में कैसे नजर आता है। जवाब ये है कि हमको जब हम सोते हैं नींद में तो हमको आलम बरज़ख के मनाजिर दिखाए जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसी वजह से नींद को छोटी मौत कहा गया। बड़ी मौत में तो रूह चली जाती है आलम बरज़ख में मरने के बाद, लेकिन ये नींद जो छोटी मौत है इसमें रूह यहां रहती है, रूह के यहां रहते हुए अल्लाह आलम बरज़ख का नजारा करवाते हैं, इसीलिए इसे छोटी मौत कहा गया। तो ये अल्लाह की तरफ से है, तो लिहाजा रूह अपनी जगह पे होती है, हमको जो है नजारे करवाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। और ये अहादीस से साबित है, और ख्वाब की हकीकत भी जो है हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाब की ताबीरें बताया करते थे, लिहाजा यहाँ तफसील ज्यादा नहीं बताई जा सकती। सूरह ज़ुमर की आयत है पारे 24 के दूसरे सफ़े पे, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। इस आयत की तफसीर आप पढ़ लें इंशाअल्लाह, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। इसी तरह बरज़ख क्या है, इस तरह की जो किताबें हैं वो आप पढ़ लें, सारी तफसील मालूम हो जाएगी कि बरज़ख क्या है, रूहें वहाँ पहुँचती हैं और ख्वाब में हमें कैसे वो सारे मनाजिर दिखाए जाते हैं, सारी तफसीलात उसमें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद एक भाई का सवाल ये है कि वितर की नमाज सुन्नत है या वाजिब। तो मेरा सवाल ये है कि अपने आप से है कि हम पढ़ते कितने दिन है। बाज़ मरतबा हम सवाल तो कर लेते लेकिन पढ़ते कितने दिन है, वाजिब हो या सुन्नत हो जो भी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इसको भी लेके जो है बड़ी बहस है, कोई कह रहे हैं सुन्नत मुअक्कदा है, कोई कह रहे हैं वाजिब है। भाई पढ़ कितने लोग रहे हैं भाई, इसकी फिक्र करो, बैठ के जो है सो ये बहस करना तो बहुत आसान है। कुछ फुकहा ने कहा सुन्नत मुअक्कदा है अशद्द ताकीद, यानी आम सुन्नत मुअक्कदा की तरह ही नहीं है, उससे ज्यादा ताकीद है। और कुछ फुकहा ने उसी का नाम रख दिया वाजिब, जो वाजिब है वही सुन्नत मुअक्कदा अशद्द ताकीद है, और जो सुन्नत मुअक्कदा अशद्द ताकीद है वही वाजिब है। नाम अलग अलग है, बाकी दोनों एक है। तो एक फकी कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, एक फकी कहते हैं वाजिब, तो ऐसा लगता है दोनों अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन दोनों के नजदीक मकाम वही है, दर्जा वही है। लिहाजा बजाय फर्क करने के पढ़ने की कोशिश करें, वितर छूटे ना। ईशा की नमाज में देखते हैं कि फर्ज की नमाज भी सुन्नत पढ़े सब गायब हो गए, वितर पढ़ता हुआ कोई नजर नहीं आता। उसके बाद सवाल यह है कि जुमा का खुतबा फर्ज है या सुन्नत। जुमा का खुतबा सुन्नत है, फर्ज नहीं है, फर्ज नमाज है, लेकिन ये वो सुन्नत है जिसका सुनना बहुत जरूरी है, बड़ी ताकीद है इसकी। बगैर खुतबा सुने सिर्फ नमाज पढ़े तो नमाज तो हो गई लेकिन एक नाकिस रहा जुमा उनका, हर हाल में सुनना चाहिए। अरबी खुतबा सुन्नत है, उर्दू खुतबा सुन्नत तो नहीं है, लेकिन उसी मकसद के लिए उर्दू खुतबा की शुरुआत की गई कि अरबी लोगों को समझ में नहीं आती, तो लिहाजा अरबी खुतबे में जो कहा जाता है या जो बातें कही जानी है वो उर्दू में कह देते हैं पहले, ताकि लोग समझ जाएं, मकसद हासिल हो जाए, फिर उसके बाद अरबी में वो खुतबा दे दिया जाता है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ाई जाती है। उसके बाद सवाल ये कह रहे हैं क्या मस्जिद की टोपी पहन सकते हैं क्या, क्योंकि दूसरे लोग पहनते हैं तो उनका पसीना उसमें लगा होता है। यहां भी मेरा एक सवाल है कि हम कैसे मुसलमान हैं, घर से टोपी पहन के नहीं आ सकते, अभी भी मस्जिद की टोपी, वो तो मस्जिद वालों का एहसान है कि टोपी का इंतजाम करके रखते हैं। अब उसमें भी जो है ये मसला, उनका पसीना लगा हुआ है तो हम पहन सकते हैं क्या, भाई अपनी टोपी जाती लेके आइए और पहनिए, ये सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर आपने पहन भी ली, दूसरे का पसीना लगा हुआ, तो उसमें नमाज क्यों नहीं होगी। पसीना तो नापाक नहीं होता, कोई निजासत तो नहीं है कि लगा हुआ है तो नमाज नहीं होगी, वजू टूट जाएगा, जिस्म नापाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज हो जाएगी बिल्कुल। कह रहे हो कि उसकी वजह से बीमारियां आती हैं, तो भाई इसीलिए तो अपने घर से टोपी लेके आई है, क्यों जो है बीमारियों वाली टोपी पहन रहे हैं। उसके बाद सवाल ये किया है कि सतर के बाल निकालना नाप के नीचे से लेके घुटने तक है क्या। भाई ऐसा नहीं है, इंसान अपनी अकल से भी सोच सकता है कि क्या इस्लाम ऐसा हुक्म दे सकता है। इस्लाम जो है बिल्कुल अकल के मुताबिक है, नाप के नीचे जहां घने बाल होते हैं बस उतना ही साफ करना है, उसके अलावा और कुछ भी साफ नहीं करना है। उसके बाद सवाल ये है कि निकाह हो गया लेकिन बीवी से कुर्बत नहीं हुई तो वलीमा कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये दो अजवाज के बारे में कहते हैं, किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजवाज के पास गए बगैर उससे पहले ही आपने वलीमा खिला दिया सहाबा, तो कोई हरज की बात नहीं है। अफजल ये है कि बीवी से मुलाकात हो तो कम से कम जो है दीदार हो जाए, एक दूसरे का चेहरा देख लें, कम से कम इतना हो जाए, तो उससे खुशी दोबाला होती है। तो बेहतर यह है
कि बीवी से कुर्बत के बाद जो है वलीमा किया जाए, बेहतर और अफजल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वलीमा हो गया तो कोई हरज की बात नहीं है, वलीमा मसनूना ही कहलाएगा और उसका पूरा सवाब भी मिलेगा। आखिर सवाल यह है कि बाल और नाखून काटने के दिन कितने हैं, यानी कितने दिन तक हम नाखून रख सकते हैं। देखिए शरीयत में और सुन्नत में यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह रहा कि हर जुमा आप बाल साफ किया करते थे। सर के बाल नहीं, सर के बाल में तो इजाजत है, जैसा चाहे रख सकते हैं, सुन्नत बाल भी रख सकते हैं, बड़े बड़े जुल्फे तो उसमें तो काटने की नौबत बहुत दिनों के बाद आएगी। वो बाल जिनको साफ करना है, जेरे नाप के बाल हैं, बगल के बाल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा सफाई करते थे नाखून की और बालों की। तो असल तो तरीका यही है हर जुमा, लेकिन वो नहीं हो सका तो 15 दिन फुकहा ने लिखा है। इससे आगे जाने की कोशिश ना करें, इससे आगे अगर चले भी गए तो 40 दिन तक इजाजत है। 40 दिन के गुजरते ही अब हमारी नमाजें मुतासिर होंगी, नमाजें खराब होंगी और इस तरह हमारा नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी होगा, हराम के करीब होगा। तो लिहाजा 40 दिन हद है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने की कोशिश ना करें। असल जो सुन्नत है हर जुमा सफाई कर लें अपने नाखून की भी अपने बालों की। जज़ाकअल्लाह खैर।